एंड वेलकम टू माय चैनल रुहान स्ट्रीट। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। सो चलिए देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम्स पनीर, जिंजर, 2 लार्ज अनियन, 4 स्मॉल टमाटो, गार्लिक, कैश्यू और ये सूखे मसाले, रेड चिली, दालचीनी, पेपरकॉर्न, जीरा और तेजपत्ता, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड क्रीम। मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें मैं डालूंगी सारे सूखे मसाले। फिर मैं डालूंगी अनियन, मैं बस एक ही ऑनियन चॉप करके डाल रही हूँ। फिर जिंजर, गार्लिक, टमाटो, इसे अच्छे से हम सॉटे करेंगे। ये थोड़े सॉटे हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैश्यू। ये हो गए मसाले अच्छे से सॉटे, अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी, फिर इसकी मैं स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। ये हो गया है स्मूथ पेस्ट रेडी। ये मैंने डाला है पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, फिर अनियन, अनियन को थोड़ा ही सॉटे करना है हल्की ट्रांसपेरेंट होने तक। अनियन हल्के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेस्ट जो मैंने स्मूथ ग्राइंड किया था। ये हो गई है ग्रेवी रेडी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अब इसमें मैं डालूंगी टर्मरिक और गरम मसाला पाउडर, इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। अब मैं डाल रही हूँ पनीर, अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून क्रीम, अब इसे ढक के मैं 5 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। ये हो गई मेरी कढ़ाई पनीर रेडी।